हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि फोर्ड फ्री स्टाइल को क्यों उतनी सेल्स नहीं मिलती हैं एंड इसमें फोर्ड ने फीचर क्यों कट किए, क्या मेन रीज़न है। इन दोनों चीज़ों के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ इस वीडियो में। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैंने लास्ट टाइम स्टैट्स दिखाए थे तो कई लोगों ने जो है सब्सक्राइब किया, 9% से 11% लोग पे आ गए, लेकिन अभी भी बहुत ही बड़ा रेशियो है जो लोग अनसब्सक्राइब रखे हैं अभी भी चैनल को। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जो लोग देख रहे हैं अभी, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे रेड कलर का बटन है दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही अच्छे और मज़ेदार वीडियोज़ आप लोग को मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि रीज़न जो है फीचर्स कट करने का, वो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोग जैसे कि देखते हैं कि कई लोग क्रिटिसाइज़ करने लग रहे हैं फोर्ड को। जब मैंने वो वाले वीडियोस बनाए थे जिसमें मैंने बताया कि अभी सारे फीचर्स आपको टाइटेनियम वेरिएंट में नहीं मिलेंगे, कट कर दिए गए हैं, टॉप वेरिएंट में से भी कई फीचर्स कट कर दिए गए हैं, तो वो क्यों किए गए हैं। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि कंपनी कोई भी चीज़ बनाती है तो कंपनी को एक्चुअली बिजनेस तो करना ही, तो उनको भी पैसे कमाने हैं। एंड उन्होंने, मैं खुद कई बार हैरान रहता था कि 7.5 लाख रुपये में, 7,35,000 रुपीज़ में मैंने एक कार खरीदी थी 2018 अक्टूबर में। एंड उस समय बलेनो आ गई, आपकी स्विफ्ट हो गई, ये सारी कार्स 8,20,000 समथिंग अबव, 8 लाख अबव जा रही थी सारी कार्स टॉप वेरिएंट में पेट्रोल में। एंड ये कार का टॉप वेरिएंट जो आ रहा था ये तो टाइटेनियम है, टाइटेनियम प्लस वाला वेरिएंट भी 7,80,000 या 60 to 80,000 के बीच में ही था, 8 लाख से कम में था उस समय। एंड उस समय इसमें सिंह 3 इन्फोटेनमेंट सिस्टम भी आता था, 6 एयरबैग्स आते थे वो, जो अब वो तो अभी भी आते हैं टाइटेनियम वेरिएंट में। तो मैं आप लोग बता दूं कि फोर्ड इतने सारे जब फीचर्स देता था तो उसकी कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती थी उनको, जैसे कि अब इतना अच्छा मटेरियल लगा रहे हैं, इतने बड़े बड़े सेफ्टी फीचर्स दे रहे हैं, ESP दे रहे हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल दे रहे हैं, ARP दे रहे हैं, 6 एयरबैग्स दे रहे हैं एंड इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी दे रहे हैं, तो फ्री में तो आ नहीं रहा, वो भी कहीं से सोर्स कर रहे हैं पार्ट्स, कई पार्ट्स खुद बना रहे हैं, तो उसमें उनकी कीमत जो है पैसे लगते हैं बनाने में एंड R&D में भी काफ़ी पैसे लगते हैं। तो कंपनी, जब मुझे खुद ही आप लोग सोचिए कि इतना सारा पैसा खर्च करने पे कार इतनी उन्होंने सस्ती रखी थी, इसका मतलब उन्होंने प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम रखा होगा तभी इतने एग्रेसिव प्राइस पे वो कार को डिलीवर कर पाए। तो जब प्रॉफिट मार्जिन इतना कम है तो डीलर्स को भी कार को बेचने में इंटरेस्ट कम आता है, क्योंकि डीलर्स सोचते हैं हमें तो प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा है, बहुत कम, 8-10 हज़ार रुपये, उससे भी कम कई बार तो हो जाता है, लोग डिस्काउंट भी बहुत मांगते हैं फोर्ड की कार्स पे, तो डिस्काउंट भी देना पड़ता है डीलर्स को और कंपनी को भी फ़ायदा कम हो रहा था। तो जब कंपनी ने 2 साल कार को रखा मार्केट में, कोई खास सेल्स मिली नहीं फ्री स्टाइल को, 1,000-1,500 मैक्स टू मैक्स 1,000-1,200 की सेल्स फिगर मिलती है इसको, मुझे लगता है कम से कम इसको 3,000-4,000 की सेल्स हर मंथ मिलनी चाहिए थी, लेकिन उतनी भी नहीं मिली एंड इतने अच्छे फीचर्स देने के बाद भी। तो मुझे लगता है फोर्ड के माइंड में भी यही आया होगा, मुझे ऐसा कोई, मुझे फोर्ड ने नहीं बताया कि मेरे माइंड में आया, मैं एक अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि फोर्ड के माइंड में ये आया होगा कि इतने सारे फीचर जब हम दे रहे हैं, अपना प्रॉफिट मार्जिन भी कम रखा है हमने, तब भी लोग कार को अटेंशन नहीं दे रहे हैं, दूसरी कार सी खरीदे जा रहे हैं, जो कार अच्छी उसको बिल्कुल सेल्स दे ही नहीं रहे हैं। तब फिर फोर्ड ने सोचा कि बाकी कंपनी से सर हम भी करते हैं। मैंने एक वीडियो में बोला था, मारुति सुजुकी पे मैंने 1-1.5 साल पहले एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने यही बोला था कि फोर्ड इतनी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कई कंपनी फीचर्स दे रही हैं, अगर मारुति कॉस्ट कटिंग कर रही है तो कुछ दिन में ये लोग भी देखा देखी उनका करने लगेंगे, जो कि अब करना स्टार्ट कर दिया है कंपनीज ने, मैंने पहले ही इसको प्रिडिक्ट कर दिया था। तो ये चीज़ है, अब कंपनी को लग रहा था थोड़ा प्रॉफिट ही बढ़ाया जाए, जब सेल्स लोग फीचर्स को लोग वही नहीं दे रहे हैं, सेफ्टी फीचर्स को लोग इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे हैं, तो फिर हम उनको कट करें छोटे मोटे फीचर्स। उन्होंने फिर भी सेफ्टी फीचर्स नहीं कट किए हैं टाइटेनियम वेरिएंट में, कॉस्मेटिक फीचर्स जो हैं आपके, इंफोटेनमेंट है, फॉग लाइट्स है, ये सब फीचर्स कट किए हैं, सेफ्टी फीचर आज भी उतने ही आ रहे हैं टाइटेनियम वेरिएंट में जितने पहले आ रहे थे। तो उन्होंने कट भी वो फीचर्स की जिन पे लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। तो फिर फोर्ड ने कहा कि इसको कट ही कर देते हैं जब लोगों को कोई मतलब नहीं, तो मुझे लगता है कि ये है। एंड सेल्स ना मिलने की बात यही है कि फोर्ड फ्री स्टाइल को लोग देखने ही नहीं जाते हैं शोरूम में, लोगों को 7-8 लाख के बजट में कोई कार लेने जाती, सीधे मारुति चले जाएंगे, टाटा चले जाएंगे, ह्यूंडई चले जाएंगे, फोर्ड की तरफ देखते ही नहीं है। अरे सर, अगर आप कोई भी आप में से कार लेने जाता है तो प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपको कोई पैसे तो देने नहीं पड़ते कार देखने के, फ्री में सब कुछ होता है, तो एक बार फोर्ड पे भी जाके देख लिया करिए, जितनी कंपनीज आपके शहर में हैं उस बजट की सारी कार्स, सारी कंपनीज की देखा करिए एंड सारी कार्स को ड्राइव करके देखिए ना फोर्ड फ्री स्टाइल को। मुझे 90% ऐसे कस्टमर्स मुझे पता है कि अगर वो फोर्ड फ्री स्टाइल को एक बार टेस्ट ड्राइव कर लेंगे तो फिर वो कोई और कार नहीं लेंगे। कुछ 10% हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही माइलेज के भूखे हैं, अनभक्त हैं मारुति और
दूसरी कंपनीज के, तो आप लोग समझ रहे होंगे वो लोग नहीं लेंगे। बट अगर आपने एक बार भी इसकी टेस्ट ड्राइव ले ली, लोग जाते ही नहीं है। अगर लोग केवल टेस्ट ड्राइव लेने पहुंच जाए कार में, इस कार में इतना पोटेंशियल है कि ये कार सीधे, मतलब इसको एडवर्टाइजिंग की जरूरत ही नहीं है इस कार को, बस टेस्ट ड्राइव लोग करने पहुंच जाए, लोग खुद खरीदेंगे इस कार को। लेकिन टेस्ट ड्राइव करने भी लोग नहीं पहुंच रहे, कई लोग को पता ही नहीं फोर्ड फ्रीस्टाइल कोई कार आती है, ऐसे भी लोग देखे हैं मैंने। तो प्रॉब्लम यहाँ आ रही है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस कार को देखने तो जाएं, देखने जाने में तो कोई पैसे लगते नहीं, तो ये चीज़ ज़रूर करें। ये दो रीजंस थे जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है एक एक्यूरेट रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से फोर्ड फ्रीस्टाइल को सेल्स नहीं मिल रही है एंड फीचर्स कट कर दिए गए। तो आपके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि मैंने ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा दिल से बनाया है एंड मुझे काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि मैं फोर्ड का ओनर हूँ और जब लोगों को मैं देखते सुनता हूँ कि फोर्ड के बारे में अभी लोगों का माइंडसेट चेंज नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी कंपनी जब काम अच्छा कर रही है, सर्विस सस्ती दे रही है, कार वेल फॉर मनी दे रही है और उनका कंज्यूमर सपोर्ट भी अच्छा है, तो फिर क्यों ना उनकी कार्स कम से कम आधी सेल्स तो पाए दूसरी कंपनी की। मैं ही नहीं कह रहा उनके बराबर आ जाए, कम से कम 3-4 हज़ार तो फ्रीस्टाइल हर महीने बिकनी चाहिए, वो भी नहीं बिक रही है, लीज सेलिंग कार में आ गई। तो क्या कर रहे हैं आप लोग, कम से कम इस कार को देखने तो जाइए, देखने भी नहीं जाते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए एंड सेफ चलिए। गुड बाय।